सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 27वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, स्पर्शान कृत्वा बहिर्वायाम चक्षुष्यवांतरे भ्रुवो प्राणपाणो समौ कृत्वा नाशाभ्यंतर चारिणो। अर्थात जो बाह्य विषय हैं, जिन्हें हमें इंद्रियों के माध्यम से अनुभूति होती है, उन्हीं के लिए यहाँ स्पर्शान है, स्पर्श से जो महसूस हो। तो हर चीज़ हम स्पर्श से ही महसूस करते हैं, चाहे आँखों से करें तो, चाहे कान से करें तो, चाहे नाक से करें तो, चाहे जिह्वा से करें तो, चाहे त्वचा से करें तो। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये स्पर्श से ही महसूस करती हैं, यानी इनका संपर्क होता है। तो कहते हैं स्पर्शान कृत्वा, यानी स्पर्श के माध्यम से जो किया जाता है, ये बाह्य पदार्थ जो हैं, ये स्पर्श के द्वारा महसूस होते हैं, और परमात्मा के सिवाय सब भाव के ही पदार्थ हैं। तो कहते हैं कि स्पर्श के माध्यम से जो हमें अनुभूति होती है, वह उसको बाहर के पदार्थ को बाहर ही छोड़ दिया जाए और जो बाहर के प्रति जो संवेदना है उससे भी हटना है, ना सिर्फ वस्तुओं से हटना है बल्कि वस्तुओं के प्रति जो संवेदनाएं हैं, जो उनके संस्कार पड़ते हैं, जो छवि बनती है, जो शब्द बनते हैं, जो स्मृति बनती है, उनसे भी हटना है। तो वस्तुओं को छोड़ दें और वस्तुओं के स्मरण को, वस्तुओं की छवि को, वस्तुओं के भाव को, इन सभी को छोड़ दिया जाए, उनके संस्कार से भी मुक्ति हो जाए। और तब क्या करना है, या ये भगवान ने बहुत अच्छी साधना बताई है इस श्लोक में, कि जो हमारी आँखें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इन आँखों के ठीक बीच में, यानी दोनों भौहों के बीच में आपको देखना है, दोनों आँखों के बीच में आपको देखना है। और कैसे देखना है, अध मुदे अध खुले नेत्रों से, और अपने नासिका के अगले भाग को देखते हुए दोनों भौहों के बीच देखना है। बहुत लोगों को दर्द हो जाता है देखने से, उनका सर दुखने लगता है, उनके ऐसे संस्कार होते हैं। यदि आँख खुली रखी जाए तो विक्षेप दोष होता है, यानी दृश्य सामने आएंगे तो वे हमारी बुद्धि में हलचल पैदा करेंगे, और यदि हम आँख को पूर्णतः बंद कर लें तो लय दोष आता है, यानी निद्रा आती है, व्यक्ति सो सकता है तो साधना नहीं हो पाएगी।
तो भगवान कह रहे हैं कि ना आपकी आँख पूरी बंद रहे और ना ही पूरी खुली रहे, और आपको दोनों आँखों के ठीक मध्य में देखना है। मैंने एक प्रयोग किया है इस पर और यह देखा है कि जिन लोगों को नींद आती है, थोड़ी झपकी आ जाती है, बहुत सारे दिमाग में संस्कार होते हैं और उन संस्कारों की वजह से उसकी या तो लय गति हो जाती है यानी निद्रा गति हो जाती है, या फिर जो है बाहर समाज में आ जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है बैठता है तो। परंतु यदि वो कठोर संकल्प करना सीख जाए बैठे तो निद्रा भी कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाती है, निद्रा आती है लेकिन आप चूँकि बैठे हुए हैं तो धीरे धीरे अपना पोजीशन आपको नहीं बदलना है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि दर्द उभरता है शरीर में कहीं ना कहीं, और जब दर्द उभरेगा तो नींद को ख़त्म हो जाना, तो वह लय दोष फिर दूर हो जाता है, लेकिन उसके लिए दर्द की शुरुआत होती है। तब तक आपको वेट करना है, इंतजार करना है। परंतु यहाँ पर भगवान ने जो विधि बताई है उस पर हम चर्चा करते हैं कि दोनों आँखों के मध्य में भ्रुकुटी पर देखनी है, आपको अपनी दृष्टि बढ़ाए रखनी है, और आपके आँख आपकी आँखें जो है अधमुदी रहे, अध खुली रहे, आधी बंद आधी खुली। और अधिकतर जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं आपने देखी होंगी, शिव जी की मूर्ति है ध्यान साधना में बैठे हुए, या महावीर जी की मूर्ति है ध्यान साधना में बैठे हुए, या बुद्ध की मूर्ति है ध्यान साधना में बैठे हुए, या किसी भी योगी की मूर्ति है ध्यान साधना में बैठे हुए, तो आप देखेंगे कि उनकी आँखें आधी बंद आधी खुली है। तो जो बंद आँखें हैं वो हमें निद्रा में ले जाती हैं, अज्ञानता में ले जाती हैं, तमस में ले जाती हैं, अज्ञानता में ले जाती हैं, अंधकार में ले जाती हैं, जहाँ हमें ना अपना पता है, ना दुनिया का पता है, ना किसी चीज़ का पता है। और जब आँखें खुल जाती हैं तो हम अपने अंदर से हट जाते हैं, अपने स्व से दूर हो जाते हैं और पर में आ जाते हैं, माया में आ जाते हैं, संसार में आ जाते हैं, वस्तुओं में आ जाते हैं, सापेक्षिक जगत में आ जाते हैं। तो सापेक्षिक जगत में आने से फिर वह एक खतरा है कि भीतर का जो संसार है उससे हम वंचित हो जाते हैं, भीतर की हमारी गति नहीं हो पाती है। तो इसलिए दोनों आँखों को हमें आधी मुदी भी आधी खुली भी रखनी है और दोनों भौहों के मध्य में दृष्टि गड़ानी है। दोनों भौहों के मध्य में दृष्टि गड़ाने से एक त्रिभुज बनता है दोनों आँखों का, और ये जो दोनों भौहों के मध्य करेंगे, ये दोनों भौहों के मध्य में जो स्थान बताया गया है ये तीसरी आँख का बताया गया है, यानी तीन आँखें हम लोग की हैं, दो आँखें तो यह हैं और जो तीसरी आँख है वो गुप्त आँख है, वह छुपी हुई आँख है, वह आध्यात्मिक आँख है, वो मन की आँख है। तो यह जो त्रिकोण बनता है यह हमारे चक्रों को जगाता है, विशेषकर आज्ञा चक्र को और शास्त्रार चक्र को जगाता है। आज्ञा चक्र जागने से व्यक्ति विचारवान हो जाता है, मननशील हो जाता है, वो दार्शनिक होता है, अच्छा विचारक होता है, अच्छा साधक होता है, उसे अपने इंद्रियों को वश में करना आ जाता है, अपनी वाणी को वश में करना आ जाता है, और उसमें आगे की दृष्टि आ जाती है, वो भविष्य दृष्टा हो जाता है, आगे को देख पाता है, वो किसी के भावों को ताड़ सकता है, किसी के मस्तिष्क में उसका प्रवेश हो सकता है, उसकी वाणी का, उसकी दृष्टि का, उसके चेहरे का, हर चीज़ का एक असर होता है, सम्मोहन पैदा करता है सामने वाले में। तो यह जो दोनों भौहों के बीच देखना है ये आज्ञा चक्र को जगाना है, अन्य चक्र भी जागेंगे और आज्ञा चक्र को भी जागना है। आज्ञा चक्र को जागने का मतलब है कि वहाँ की जो ऊर्जा है
जो मैंने गुण बताए थे वो सब ऊर्जाएं सक्रिय हो जाएंगी और व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा विचारवान, दार्शनिक और साधक हो जाएगा, ध्यानी हो जाएगा वह। अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि प्राण अपानो समो कृत्वा, प्राण वायु और अपान वायु, ये दो तरह के वायु हैं। तो कह रहे हैं कि प्राण वायु और अपान वायु को सम करके नासाभ्यंतर चारणो, जो हमारी नासिका है उसमें अंदर और बाहर ये जो आती जाती हैं प्राण वायु और अपान वायु, इसको सम करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह बहुत महत्वपूर्ण साधना है ध्यान योगियों के लिए, अष्टांग योगियों के लिए और किसी भी योग को करने के लिए। हम लोग के भीतर में समभाव की स्थिति आए, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय निंदा स्तुति इन सभी में हम सम हो जाएं, तो इसके लिए यह जरूरी है कि हमारी सांस सम हो, क्योंकि श्वास प्रश्वास से ही भाव और विचार होते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध बहुत ज़्यादा श्वास पर जोर देते थे और यहाँ पर भी देखिए भगवान कृष्ण ने जो साधना की पद्धत बताई है वो वही है जो बाद में भगवान बुद्ध आगे बताएंगे, आने वाले समय में फिर बताते हैं भगवान बुद्ध। तो यहाँ जो है भगवान ने कहा है कि सम करो। सम करने का मतलब क्या है कि प्राण वायु और अपान वायु जो है ये सम नहीं है, इनको सम करना है। सम नहीं है मतलब कि बराबर नहीं है। प्राण वायु का मतलब हो गया कि वह वायु जो हमारे शरीर के प्राण को, प्राण ऊर्जा को लेकर के बाहर निकलती है, वह वायु। कुछ लोग इसको ऐसे भी परिभाषित करते हैं कि वह वायु जो हमारे में प्राण लाती है बाहर से, यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जब हम श्वास अंदर भरते हैं तो वह प्राण शक्ति को हमारी बढ़ाती है। तो इसकी दो तरीके परिभाषाएं होती हैं। तो एक परिभाषा के अंदर जो है श्वास को भीतर भर लेना भी प्राण वायु है, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाती है। लेकिन एक परिभाषा है कि हमारी प्राण शक्ति को लेकर के जो हवा निकलती है वो प्राण वायु है। तो जो प्राण वायु है जो लेकर के बाहर निकलती है उसकी गति भिन्न होती है, उसकी लंबाई भिन्न होती है, और जो हम भीतर लेते हैं अपान वायु वह वायु की गति भिन्न होती है, उसकी लंबाई भिन्न होती है। अमूमन ऐसा होता है कि जो बाहर हवा निकलती है वो ज़्यादा लंबी होती है और जो भीतर लेते हैं वो थोड़ी छोटी होती है उससे। यदि हम जो छोटी है उसको बड़ी कर दें और जो बड़ी है उसे छोटी कर दें, दोनों की लंबाई में परिवर्तन कर दें, यानी थोड़ी लंबी सांस भरें और थोड़ी छोटी सांस जो छोड़ते हैं उसको थोड़ी छोटा करें, ऐसा होने से क्या होगा कि दोनों सम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जितना लेना उतना ही छोड़ना। यदि ऐसा हो जाता है तो कहेंगे कि सम है। और ऐसा पता कैसे चलेगा कि ऐसा हो गया कि नहीं? जब हम लोग श्वास प्रश्वास करते हैं तो हम लोगों की जो नासिका है उसमें हवा का स्पर्श महसूस होता है, भीतर जो नली है उसमें भी स्पर्श महसूस होता है। तो वह जो स्पर्श महसूस होता है, वह जब स्पर्श महसूस ना होने लगे यानी पता नहीं चले, श्वास इतनी धीमी हो गई, धीमी गति से लेना, धीमी गति से छोड़ना, तो सम हो जाता है। और जब यह सहज हो जाए
यानी बिना अतिरिक्त दबाव के जब हम लोग इसको कर पाते हैं, तब यह सहजा अवस्था में यह प्राणायाम सिद्ध होता है। तब प्राण और अपान जो है सम हो जाता है। एक चीज आप और नोट करेंगे कि हम लोगों की जब सांस की गति भिन्न होती है, तो वैसी स्थिति में हम लोग के विचार भी अलग ढंग के बनते हैं। विचार का श्वास के साथ बहुत संबंध है। जब प्राण और अपान दोनों बराबर हो गए, यानी श्वास लेना और श्वास छोड़ना, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में विचार बनते ही नहीं। निर्विचार की स्थिति होती है वो समाधि की स्थिति होती है, जहाँ प्रज्ञा सम हो गई, समाधि। और ये तब होगा जब वायु सम हो जाएंगे, प्राण वायु और अपान वायु सम हो जाएंगे। जब दोनों सम हो गए, दोनों बराबर दूरी से, बराबर वॉल्यूम से, बराबर मात्रा में जब चल रही हैं दोनों सांसें, और उनका स्पर्श महसूस नहीं हो रहा है अंदर या बाहर, नाक में या नली में, फेफड़ा में, कहीं भी, तो वो सम हो गए। तो ऐसी स्थिति में हमारे भाव सम हो जाएंगे, हमारे विचार सम हो जाएंगे, हमारे कर्म सम हो जाएंगे, और उस साम्यावस्था में हम लोग इस संसार का अतिक्रमण कर सकते हैं। तब क्या होता है, सम स्थिति में होने पर सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। दोनों नाकों से यदि श्वास चल रही है, इसका मतलब सुषुम्ना नाड़ी जागृत है। और जब दोनों नाकों से सांस चल रही है, उस वक्त यदि दोनों नाकों से बराबर चल रही है, तब सुषुम्ना नाड़ी पूर्ण रूप से जागृत है। दोनों नाकों से भी जब सांस चलती है, तो कोई एक नाक से छोटी चल रही है यानी ज्यादा चल रही है, किसी एक नाक से कम चल रही है, तो उसको भी देखना है। यानी श्वास जो हम भीतर लेते हैं वो बाहर लेते हैं, वह तो सम करना ही है, इसके अलावा हम दोनों नाकों से सांस ले रहे हैं कि नहीं, वह भी सम करना है। यहां पर दो तरह का सम है, अच्छा से इसके लिए समझ लें। जो वायु भीतर जाएगी वह, और जो वायु बाहर आएगी वह, दोनों बराबर होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उनका स्पर्श नहीं महसूस होना चाहिए। और तीसरी बात, दोनों ही नथुनों से सांस चलानी जानी चाहिए। और चौथी बात कि दोनों ही नथुनों से बराबर सांस आने जानी चाहिए। यदि ऐसा होता है, ऐसा ढाई घंटे के आसपास में होता है जब साधक बैठता है, तो कि जब दोनों ही नथुनों से सांस आ जा रही है बराबर, और जितनी श्वास आ रही है उतनी ही बाहर जा रही है, उतनी भीतर आ रही है वो भी बराबर, तब क्या होता है, तब चित्रणी नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में है, उसका प्रवेश हो जाता है, वो खुल जाती है, और तब रूपांतरण होने लगता है ऊर्जा का, ओज में और तेज में, उसमें नाड़ी का प्रवाह शुरू हो जाता है भीतर। और चित्रणी नाड़ी के मध्य में ब्रह्म नाड़ी होती है। जब श्वास बराबर चले और हमारा ध्यान भी वहाँ लगा रहे, हमारा चित्त भी वहाँ जब लगा हुआ है, एकदम शांत और निर्मल हम बैठे हुए हैं, वैसी स्थिति में ब्रह्म नाड़ी खुल जाती है, और तब वह जो ध्यान है वह समाधि में बदल जाता है। यह इसका बहुत गूढ़ अर्थ है, और यह काफी महत्वपूर्ण यह श्लोक है साधकों के लिए। गीता में अधिकतर तो सिद्धांतों पर चर्चा है, लेकिन साधना पर जो चर्चा है उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण साधना है यह पूरी गीता में ध्यान योगियों के लिए। यही यहां पर भगवान का कहने का मंतव्य है कि अपने प्राण और अपान को सम करो, और अपनी दोनों नासिकों
से जो सांस आती है, नसाभ्यंतर चारण, जो दोनों नाकों से सांस आ रही जा रही है, उन दोनों नाकों से सांस चलाओ और उसको भी सम करो। ऐसा करते ही क्या होगा कि सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में जागृति आ जाएगी, और जब हम वहाँ पर ध्यान लगाएंगे, उसमें कोई मंत्र जाप भी करेंगे, जैसे भगवान ने आगे बताया है अमित्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, कि ओम का उच्चारण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए यदि हम वहाँ पर ध्यान अपना लगाए रखते हैं और शांत स्थिर बैठे रहते हैं बिना हिले डुले, तकरीबन 3-3.5 घंटे तक अगर ऐसा हम बैठते हैं तो ब्रह्म नाड़ी खुल जाती है और तब हम समाधि में चले जाते हैं और हमारे सारे चक्र के जागने की संभावना हो जाती है। यही इस श्लोक का गूढ़ अर्थ है। ओम हरि। ओम।